हेलो एवरीवन, माय सेल्फ मोहम्मद मुदस्सिर। टुडे आई एम गोइंग टू टीच बिजनेस स्टडीज फॉर क्लास 12 चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। दिस इज़ द सेकंड चैप्टर इन बिजनेस स्टडीज, सो लेट स्टार्ट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर जनरल गाइडलाइंस फॉर मैनेजर डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर। दिस इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट इज नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। The nature of principle of management can be described the following point. The first point is universal application. So what is the universal application? The principle of management are universal in nature. That means they can be applied to all type organization. Universal application means जो principle है वो all type, सारी type के organization में apply होता है. For example, government office, private companies, हॉस्पिटल, स्कूल, क्लब, एवरीवेयर। सेकेंड नेचर इज जर्नल गाइडलाइंस। दे आर जर्नल गाइडलाइंस टू एक्शन एंड डिसीजन मेकिंग। हाउएवर डू नॉट प्रोवाइड रेडीमेड सॉल्यूशन एज द बिजनेस एनवायरनमेंट इज एवर चेंजिंग और डायनेमिक। थर्ड पॉइंट इज फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। They are developed after research work on the basis of experience of manager. इसको जो बनाया जाता है प्रिंसिपल को, सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ मैनेजर के अकॉर्डिंग, उसके बाद फिर इसको बिजनेस में स्टार्ट किया जाता है। एंड फोर पॉइंट इज़ फ्लेक्सिबल। सो मैनेजमेंट प्रिंसिपल कैन बी अप्लाई डिफरेंटली अंडर डिफरेंट कंडीशन। मैनेजमेंट प्रिंसिपल कैन बी अप्लाइड डिफरेंटली अंडर डिफरेंट कंडीशन। सम चेंजेस कैन बी मेड इन एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी। दीज कैन बी मॉडिफाइड बाई द मैनेजर हु आर यूजिंग देम। इसको मॉडिफाइड भी किया जा सकता है मैनेजर के अकॉर्डिंग। दिस इज नॉट फ्लेक्सिबल। नेक्स्ट पॉइंट इज बिहेवियर इन नेचर। मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर फॉर्म टू गाइड एंड इन्फ्लुएंस दैट बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉय। द प्रिंसिपल इज ऑन इम्प्रूविंग रिलेशनशिप बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट एंड ऑल द मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज बिहेवियर इन नेचर। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज इफेक्टिव रिलेशनशिप। मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन द इफेक्ट and means the principle tell us if the particular principle applied in the situation principle cannot be perfectly absolute result because these are applied on human being, but it help the knowing some idea about that effect. This is known as effective relationship. And last point is contingent. Management principle are contingent on dependent upon the situation. Their application and effect depend upon the nature of organization. The application of principle has to be changed according to nature, size and type of organization. This is known as contingent.